इस साल मार्च का महीना मूवी लवर्स के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मार्च में आपको देखने को मिलेगी भरपूर कॉमेडी, हॉरर, एक्शन, थ्रिलर और रोमांस का जबरदस्त डोज। मार्च के महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की मोस्ट अवेटेड फिल्म योद्धा की। यह फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि इस फिल्म से पहले भी सिद्धार्थ कई फिल्मों में एक सोल्जर का रोल प्ले कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के रोल में उनके फैंस देखना काफी पसंद करते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज के पहले पार्ट में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। इस सीरीज में उनको फैंस ने काफी पसंद किया था। अब देखना यह है कि ये फिल्म उनके फिल्मी करियर में क्या नया मोड़ लेकर आती है। अब बात करते हैं कुक 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 सॉन्ग के रिमिक्स पर अपनी कमर मटकाती 3 ईयर हॉस्टेस की कहानी की, फिल्म द क्रू। इस फिल्म में करीना कपूर खान, कृति सैनन और तब्बू तहलका मचाती नजर आएंगी। मच अवेटेड फिल्म क्रू को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। फैंस में इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। राजेश कृष्ण के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज काफी एंटरटेनिंग साबित होगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर यही लग रहा है कि ये फिल्म लोगों का खूब मनोरंजन करेगी। ये फिल्म 1 मार्च यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में रवि किशन के रोल में फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अजय देवगन की मच अवेटेड सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान भी इसी महीने रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को विकास बहल ने निर्देशित किया है। ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा आर माधवन, ज्योतिका, अंगद राज अहम रोल में नजर आएंगे। आदर्श शर्मा की अपकमिंग फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुदीप्तो सेन ने डायरेक्शन में बनी फिल्म 15 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं सितारों से सजी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मर्डर मुबारक 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में सारा अली खान, करिश्मा कपूर, विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी, डिंपल कवाड़िया, संजय कपूर सहित कई कलाकार नजर आएंगे।